गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। देखिए दोस्तों, मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि केके टेक्निकल दुबई ये चैनल जो है ये बहुत आप लोग का फ़ायदा के लिए है। बहुत सारे आदमी को इसका फ़ायदा मिल चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो देखने के बाद वो लोग को यहाँ के बारे में हर चीज़ पता हो गया, कंपनी के बारे में, कब कंपनी कहाँ इंटरव्यू कर रहा है, कौन सा कंपनी कैसा है, कौन सा कंपनी में किस टाइप का इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चन आता है उसमें, और उसका साथ साथ में आंसर भी हम बता के देता है। जिस वजह से आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपका जो टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो डबल हो जाता है। तो कोई भी इंटरव्यू में आप लोग फेस करता है तो वो इंटरव्यू आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। वो क्लाइंट आपको अच्छा सैलरी, अच्छा पोस्ट में लेकर आता है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोग को, जितना भी हमारा एशिया का बंदा लोग मेरा चैनल देख रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप लोग इसमें कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जरूर एक ना एक दिन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे बंदा लोग को मिल चुका है और मेरा कमेंट में जाके देख सकता है, बहुत सारा आदमी यही लिखा है कि आपका चैनल का, आपका वीडियो देखने के बाद हमको इंटरव्यू आसानी से पास हुआ है। हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग कमेंट किया था मुझे कि दुबई में जो होता है ट्रांसफॉर्म यार्ड या ट्रांसफॉर्म रूम और उसका जो HT और LT कैसे होता है, तो आप लोग को मैं ये छोटा सा वीडियो में समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं, दो ट्रांसफार्म इधर हर बिल्डिंग के लिए दो ट्रांसफार्म ही लगा जाता है। कभी कोई ट्रांसफार्म जैसे शटडाउन हो गया, जैसे गवर्नमेंट का जो सबस्टेशन होता है डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आया है, सही है। हम लोग म्यूनसिपैलिटी का बोल सकता है, दुबई में देवा का बोल सकता है या फेवा का बोल सकता है। तो ये जो होता है, ये ट्रांसफार्म को जो मेन हाई टेंशन का जो केबल आता है अंडरग्राउंड से आता है। इधर कोई भी केबल ऊपर में दिखाई नहीं देगा, पूरा जमीन का नीचे नीचे अंडरग्राउंड में आएगा। ये हमारा जो सबस्टेशन है इसमें ट्रांस है, केबल ट्रांस है, आप लोग ये देख सकता है। तो ये ट्रांस के अंदर ही केबल आके सीधा जो हाई टेंशन है वो हमारा ST का केबल इसमें लगा हुआ है, सही है। ST का केबल इसमें ट्रांसफार्म में टर्मिनेशन है और ये जो उसका LT साइड है, जो उसका आउटपुट है, ये है LT साइड, सही है, लो टेंशन का, सही है। जो ये क्या होता है कि ये हमारा MDB रूम में जाता है। जो LB रूम या स्ट्रांग रूम या MDB रूम कौन क्या किधर बोलता है ये आप समझने का। ये जो आउटपुट उसका होता है, इनपुट उसका ST होता है और आउटपुट जो है ये हमारा LT होता है, लो टेंशन, सही है। ये किधर जाता है, हमारा सबस्टेशन जो MDB रूम होता है, MDB रूम में LB रूम में जाता है, सही है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में कितना सारे केबल है, इनपुट में तो एक ही केबल आया है लेकिन आउटपुट में जो है इतने सारे केबल है। आप लोग देख सकता है कि इधर 3 फेज प्लस न्यूट्रल है, ये आप लोग देख सकते हैं, इधर कलर कोड मार के रखा है रेड, ये मतलब RYB है, वो लगता है कैपेसिटी का ऊपर, कितना कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है आपका वो हिसाब से उसका लगता है। इधर आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है इसका कैपेसिटी यहाँ लिखा जाता है, KBA जो है आप लोग इधर देख सकते हैं, KBA इधर आप लोग देखते हैं 1500 मतलब 1500 KBA का ये ट्रांसफार्मर है। और इसके लिए ये केबल आता है हमारा, जो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 4 कोर है, 3 कोर का 300 केबल है, सही है, 300 केबल है। ये इसका इनपुट में आया है जो हमारा हाई टेंशन है, ये सीधा इधर से जा रहा है जो गवर्नमेंट का सबस्टेशन है, बड़ा सबस्टेशन वहाँ जाता है, सही है। ये एक ट्रांसफार्मर है और वो भी एक ट्रांसफार्मर है, दोनों उधर जाता है। कभी किसी का शटडाउन हो गया, किसी वजह से किसी पावर कट हो गया तो ये दूसरा उस टाइम उसको बैकअप देगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, सही है। ये जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होता है, जो बहुत ज़रूरी बिल्डिंग होता है जिसमें पावर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, वो वाला बिल्डिंग में ये दो ऑप्शन रखता है। नॉर्मली रेसिडेंसी में एक ट्रांसफार्मर होता है और एक हमारा जनरेटर होता है, सही है। इसमें भी दो जनरेटर और जो ट्रांसफार्मर है, सही है। तो यहाँ मैं आप लोग को और दिखाऊँगा ये आके इधर जो है उसका दोनों इधर आप लोग देख सकता है RMU, ये जो RMU है ये पहले आता है हमारा सबस्टेशन से, जो गवर्नमेंट का सबस्टेशन है वहाँ से आएगा ये RMU में, RMU से इधर से आउटपुट जाएगा सीधा मीटर बॉक्स में। ये देखिए ये हमारा मीटर है, ये गवर्नमेंट का मीटर होता है, फेवा मीटर, सही है। ये मीटर है, इसमें हमेशा ये हिसाब से रीडिंग लेके बिल आता है कितना बिल्डिंग में करंट यूज होता है, सही है। ये आप लोग देख सकता है 1500 का KBA का आ रहा है, दोनों है RMU, एक कैसे कनेक्शन है आप लोग देख सकते हैं, बस बार किसे इधर से वो हिसाब से इसका डिजाइन है, ड्राइंग डाइग्राम है, सही है। तो यही है आप लोग को बताने के लिए, आप लोग को पूछा था कि दुबई में कैसे होता है,
तो ये देखिए ट्रांस है, ट्रांस से केबल आया है और आके सीधा आर्मी में कनेक्टर है, परमिशन है, दोनों आर्मी है, दोनों आर्मी हो, बीच में चेंजओवर जैसा काम करता है, सही है। कोई भी एक शटडाउन हो गया तो दूसरा सप्लाई देगा। जी दोस्तों, ये देखिए दो जनरेटर है, ये भी 15 के बी का है, सेम ट्रांसफार्मर जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटी का जनरेटर ही चाहिए। और ये दो इसके लिए है, हर बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता है कि दो ट्रांसफार्मर और दो जनरेटर, एक ही ट्रांसफार्मर और एक ही जनरेटर होता है। लेकिन जो बहुत जरूरी वाला बिल्डिंग है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसका आप लोग दिखाता है कभी भी शटडाउन नहीं होने के लिए, कभी भी पावर स्टार्ट नहीं होने के लिए स्टैंड बाई में एडिशनल में रखा जाता है। और ये भी हर महीना पीपीएम होता है और हर महीना एक दूसरे को मतलब सपोर्टिंग करता है, कभी ये चालू है तो कभी वो चालू है, ये हिसाब से चलता है। ज्यादा फैलाइए, सब दोस्त को शेयर कीजिए और चैनल को।